दोस्तों, इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे एक विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा हार्ड डिस्क लगा दिया, पहले वीडियो में मैं दिखाया था, ठीक है, 1 TB का। तो अभी दिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 10। तो सबसे पहले मेरा कंप्यूटर ऑन कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या आता है डेस्कटॉप पे। CPU को बटन दबा देता हूँ, ये ऑन हो गया। देखिए अभी यहाँ पर बोल रहा है रिबूट एंड सिलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस, मतलब कोई पेन ड्राइव नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है, कोई विंडोज मारा नहीं है अभी तक हार्ड ड्राइव पे, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो सबसे पहले मेरा जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो मैं इसके अंदर लगा दूंगा, ठीक है। विंडोज दो तरह का होता है, एक MBR एक GPT, ठीक है ना। तो मैं GPT वाला लगा लेता हूँ, देखता हूँ लेता है कि नहीं लेता। देखिए मैं लगा दे रहा हूँ। लगाने के बाद एक बार मेरा CPU रिबूट मारूंगा, ठीक है। देखिए मैं ऑन कर दिया हूँ, अभी क्या आ रहा है देखता हूँ। देखिए अभी मेरा पेन ड्राइव ले लिया है, लेकिन यहीं पर बोल रहा है UEFI मोड ओनली, मतलब जो GPD वर्सन है वो नहीं ले रहा है, MBR वर्सन मारना पड़ेगा, UEFI मोड में ये मारना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है ये नहीं लेगा BIOS लगे लगेंसी बूट, ठीक है। तो मैं दूसरा पेन ड्राइव लगाऊंगा क्योंकि ये सपोर्ट नहीं ले रहा है, तो पेन ड्राइव मैं चेंज कर देता हूँ। आपको भी जब मतलब बूटेबल करना है तब दो तरह का आता है, एक GPD एक MBR, ठीक है। और एक बार UEFI मोड रहता है वो सिलेक्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। जो भी आप लोगों का डेस्कटॉप में लेगा विंडोज़ वही सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप देखिए दूसरा पेन ड्राइव लगाने के बाद कैसे क्या आता है। देखिए मेरा ले लिया है, ऊपर में है विंडोज़ सेटअप, मतलब 64 बिट, और विंडोज सेटअप मतलब 86 मतलब 32 बिट, ठीक है। तो मैं 64 बिट सिलेक्ट कर लूँगा। क्योंकि वही हाई क्वालिटी का बेटर ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो मेरा देखिए सिलेक्ट हो चुका है, अभी विंडोज़ मतलब लैंग्वेज सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा लोडिंग होगा, देखिए मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर में इंग्लिश है। मैं जो मार रहा हूँ वो कॉपी बॉक्स में है क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, बाद में मैं दिखाऊंगा वीडियो में कैसे विंडोज एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना विंडोज़ मारने में, तो मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर जैसे है ऐसे ही करके नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फिर इंस्टॉल नाउ, देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, तो इंस्टॉल नाउ में क्लिक कर देता हूँ।
सेटअप इज स्टार्टिंग। थोड़ा लोडिंग हो रहा है, देखिए यहीं पर आ गया मेरा जितना सारा मतलब विंडोज़ का ऑप्शन है वो आ गया, विंडोज 7, विंडोज 10 सब कुछ यहीं पर आएगा, क्योंकि एक भाषण के अंदर सब कुछ है मेरे पास, विंडोज 7 से शुरू होकर 8, 10, ठीक है 10 तक है। तो मैं 10 प्रो का जो है वो वॉल्यूम वो सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे 10 प्रोपोर्शनल मानना है 64 बिट का, क्योंकि बहुत सारा है इसके अंदर, तो मैं मेरा जो भी चॉइस करना है वो कॉल कर लूँगा, करने के बाद वो ऑप्शन क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला सेलेक्ट करूँगा, देख ली विंडोज 10 वर्जन 1709 प्रो वॉल्यूम 64 बिट, फिर मैं नेक्स्ट में क्लिक कर दूँगा। फिर यहीं पर बोल रहा है आपके मतलब ये जो भाषण यूज़ कर रहे हो आप एप्लीकेशन मतलब एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, तो टिक लगा के आपको नेक्स्ट करना है। तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, टिक मार करके यहीं पर देखिए आई एक्सेप्ट द, ठीक है। इसमें क्या क्या बेनिफिट है सब कुछ लिखा है, तो मैं टिक में मार करके नेक्स्ट में क्लिक कर दूँगा। देखिए मेरा टिक मक लग चुका है, तो नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है, अगर टिक नहीं देंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए टिक मारने के बाद भी नेक्स्ट ऑप्शन, फिर यहीं पर बोल रहा आपके पास मतलब अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज, ठीक है। अगर ऊपर में क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन में अपडेट होगा, और नीचे में क्लिक करना है कस्टम में, तो कस्टम सेलेक्ट करके देखिए यहीं पर मेरा हार्ड ड्राइव शो हो रहा है। अब मैं पार्टीशन नहीं किया अभी तक, वो बाद में भी कर सकता हूँ, ठीक है, इसलिए पार्टीशन नहीं किया, तो मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन बाद में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, पहले विंडोज मान लेता हूँ। देखिए मेरा परसेंटेज इंस्टॉल का जो परसेंटेज होता है 100% होने के बाद, ठीक है, फिर कंप्लीट होता है, तो मेरा परसेंटेज का ऑप्शन आ गया, देखिए 0% शो हो रहा है, इंस्टॉलेशन हो रहा है, ठीक है, इंस्टॉलिंग विंडोज स्टेटस, मतलब जो ऑप्शन आ रहा है सब में ठीक लगेगा, फिर कंप्लीट होगा, ठीक है। 1% हुआ है अभी, देखिए 2%, मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, मतलब वीडियो में दिक्कत आ रहा है। नाइन परसेंट हो रहा है, ऐसे करके आप लोगों के पास 100% होगा, फिर कंप्लीट होगा। तो मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएगा, है ना। देखिए मेरा 90% हो चुका है, ठीक है, शायद 100% भी कंप्लीट हो गया, तो इसके लिए परसेंटेज शो नहीं हो रहा है अभी, देखिए सब में टिक मार्क लग चुका है, देखिए एक बाकी वो भी लग जाएगा, स्टेटस देखिए अभी बोल रहा है पेन ड्राइव खोल दो, मेरा पेन ड्राइव खोल दूंगा, क्योंकि अभी सिस्टम रिबूट लेगा, क्योंकि इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, अभी रिबूट ले रहा है, तो
अभी मैं रिमोट क्या खोला है तो करूँगा, मेरा मेरा पेन पेन ड्राइव ड्राइव खोल देता हुआ खोल ऐसे, दूंगा। तो बोला गया देखिए, पेन ड्राइव खोल दिया, देखिए आप ऑटोमेटिक ऑन हुआ। रिबूट हो चुका है। अभी कुछ स्टेप बाकी है, फिर विंडोज ओपन हो जाएगा। अभी लोडिंग ले रहा है जो इंस्टॉल किया है हम लोगों ने। अभी लोडिंग हो रहा है, ओपन हो रहा है, मतलब विंडोज जब इंस्टॉल हो जाता है तब एक बार रिबूट होके ऐसे लोडिंग होता है। अभी ओपन हो रहा है, देखिए थोड़ा लोडिंग होने के बाद अभी आ रहा है स्टार्टिंग स्टार्टिंग सर्विस। सर्विस, मतलब ये सर्विस देने के लिए रेडी हो रहा है विंडोज़। गेटिंग डिवाइस रेडी, अभी रेडी, क्या आता है देखते हैं। गेटिंग गेटिंग डिवाइस डिवाइस रेडी रेडी 50%, 50%, 100% मतलब होने हंड्रेड के परसेंट बाद होने के बाद ओपन ये हो दूसरा जाएगा। ऑप्शन आएगा गेटिंग रेडी। गेटिंग रेडी, थोड़ा लोडिंग हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना इंस्टॉल के बाद। थोड़ा तो टाइम लगेगा ही क्योंकि नया नया विंडोज हमारे है ना, तो पहली बार टाइम लेगा, बाद में नहीं लेगा। बाद में जब आप ओपन करेंगे संग संग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है, मैं हेल्प कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। शायद ओपन हो रहा है शायद। देखिए अभी ओपन हो रहा है, शायद हो गया विंडोज है प्रॉपर इंस्टॉलेशन। एक बार रिस्टार्ट होगा। देखिए ओपन ओपन हो रहा है, जस्ट ए मोमेंट, थोड़ा देर वेट करिए, मतलब थोड़ा देर, जस्ट ए मोमेंट, अभी ओपन होगा, अभी लोडिंग हो रहा है। आप लोग देख ही लिया कैसे मेरा, मतलब मेरा पुराना हार्ड डिस्क खराब हो गया था, तो मैं चेंज करके नया हार्ड डिस्क लगाया।
नया हार्ड डिस्क लगाने के बाद कैसे हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं न्यू विंडोज़ 10। तो हम लोग पार्टीशन बाद में भी कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग पार्टीशन नहीं किया, बाद में मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं पार्टीशन, ठीक है ना। तो मैं पार्टीशन अभी के लिए नहीं कर रहा था क्योंकि एक विंडोज़ मतलब इंस्टॉल करने से बहुत टाइम आता है, ठीक है, टाइम ज़्यादा है, इसलिए मैं उतना टाइम नहीं लगाया। देखिए अभी आ गया है, कुछ सेटअप आएगा, सेटअप करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहीं पर क्या बोल रहा है नीचे में देखिए, ठीक है, हम लोग कर देते हैं। वाईफाई कनेक्ट भी कर सकते और नहीं कर सकते, मेरा हो रहा है डेस्कटॉप में वाईफाई का सिंबल क्योंकि ड्राइवर ऑलरेडी है इसे पे, ठीक है, पेंडक के, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, स्किप नाउ, यूज़र नाम देता हूँ एडमिन, अभी एडमिन डालने के बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट पासवर्ड के अभी सो देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ क्योंकि अभी पासवर्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं मेरा, ठीक है। तो देखिए मैं पर्सनल सुनता हूँ, मैं इसको पर लोकेशन लोकेशन सब मांग रहा है, एक्सेप्ट कर देता हूँ मैं। देखिए मेरा तो सेटअप है प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अभी मुझे शो हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, बोल रहा है डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, सेटअप तो कंप्लीट हो गया मेरा।
वांट एवरीथिंग टू बी रेडी फॉर यू, मतलब जो कुछ भी है सब कुछ रेडी हो रहा है, ठीक है, वेट करने के लिए बोल रहे हैं मुझे। लेट्स स्टार्ट। देखिए मेरा जो मतलब डेस्कटॉप है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहीं पर मेरा जो पीसी का जो लोगो है, ठीक है, देखिए यहीं पर मतलब एक लोगो आ रहा है मेरा, ठीक है, दूसरा लोगो मेरा नहीं आ रहा है। तो मैं जो सेटिंग के अंदर जाके मेरा लोगो लाता हूँ, सेटिंग्स, बैकग्राउंड स्क्रीन, यहीं पर जाके मैं कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकता हूँ, ठीक है, कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं आइकॉन चेंज कर रहा हूँ अभी के लिए, मैं आज वो आइकॉन है कहाँ गया, एक्टिव विंडोज, ये डेस्कटॉप आइकन बोल के है, इसमें क्लिक करूंगा तो मेरा है दिस पीसी। तो दिस पीसी में जो है मेरा टिक लगा दूंगा कंप्यूटर, फिर ओके में क्लिक कर दूंगा। अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है तो एक्टिव करने के बाद विंडोज फिर चेंज कर सकते हो। तो मैं काट देता हूँ क्योंकि मेरा अभी तक विंडोज एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा कैसे विंडोज एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, आप लोग समझ चुके हैं कैसे विंडोज मारते हैं। थैंक यू सो मच।